नमस्कार, reportpink.in से मैं महेश शर्मा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय मजदूर संघ के उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित महासचिव अनिल उपाध्याय। अनिल उपाध्याय जी, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से इन्होंने ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में खुद को इंडल्ज किया और डिफेंस फैक्ट्रीज के मजदूरों की लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे, ये अभी इनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है और जोशीले नौजवान हैं, धीरे धीरे तरक्की के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई अनिल जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आज आप अभी पिछले रविवार के दिन आपकी भारतीय मजदूर संघ का चुनाव हुआ था, जैसा कि मुझे मालूम चला, जिसमें आपको चुना गया। आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे इस छोटे से साक्षात्कार में हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो मजदूरों की गतिविधियाँ हैं वो पहले के मुकाबले बहुत कम हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, आज समय का परिवर्तन हुआ। इंडस्ट्रीज छोटे छोटे सेगमेंट में आ गई, जहाँ पहले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती थी, 2-2, 3-3 सौ, 4-4 सौ, 15 सौ, 1000 लोगों काम करते थे, तो लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता था। आज इंडस्ट्री को छोटा रूप हो गया है, 10 से 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग आ रहे हैं। दूसरा, ठेकेदारी व्यवस्था को सरकार ने लागू करवा दिया, जिसके कारण मजदूरों को ऐसा लगता है कि ट्रेड यूनियन हमारा बहुत ज़्यादा भला नहीं कर सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रेड यूनियन आंदोलन कमजोर पड़ा और मजदूरों का रुझान ट्रेड यूनियन की तरफ कम पड़ा। लेकिन मजदूर संगठनों का और मजदूरों का एक वर्ग ये भी कहता है कि जो सरकार की नीति है वो मजदूर आंदोलन को दमनकारी नीति है, उसको दमन करना चाहती है ताकि इंडस्ट्रीज फ्लॉरिश करें और उद्योगपतियों को पूरा मौका मिले। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, आपका क्या कहना है इसका? भारतीय मजदूर संघ का सदैव रहा है कि राष्ट्रीय हित को देखते हुए हमारा औद्योगिक हित साध्य हो, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो निश्चित तौर पर, इंडस्ट्री अगर नहीं चली तो हमारे मजदूरों को काम कहाँ मिलेगा, और अगर काम नहीं मिलेगा तो उनका जीवन यापन करने के लिए वो लोग कैसे अपनयन कर पाएंगे। इसलिए इंडस्ट्री को चलाना तो आवश्यक है, लेकिन वहीं सरकार का जो दमन विरोधी नीति है निश्चित तौर पर पिछले 75 सालों से चली आ रही है। वर्तमान सरकार भी उसी परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है कि उसका भी रवैया दमनकारी ही है। हमको ट्रेड यूनियन आंदोलन अगर करना है तो हम तो, क्योंकि अपनी मांग को रखने के लिए हमारे पास हड़ताल, हमारे पास धरना प्रदर्शन, ये करना ही हमारे पास हथियार है। हम केवल लिख करके, पढ़ करके अगर सरकार में नैतिकता होती तो हमारे लिखने के बाद वो हमारी बात को मान लेती, लेकिन सरकारें जब नहीं मानती तो हमको धरना प्रदर्शन ये सब करना पड़ता है। सम कानून जो कि संख्या में 42 बनाए जाते हैं, इन सबको एक करके 4 कोर्ट सरकार ने बनाए, वो अलग अलग आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आपको लगता नहीं कि 42 कानूनों को 4 कोर्ट में समाहित करने से मजदूरों का जो हित है वो कहीं ना कहीं तक प्रभावित हुआ होगा? देखिए, कोर्ट जो बनाए गए हैं, कोर्ट तो भारतीय मजदूर संघ का मानना है कि इन लेबर कानूनों को एक जगह इकट्ठा करके हमने एक कोर्ट में ले आ दिया। कोर्ट में लाने से मजदूर आंदोलन को फायदा ही होने वाला, लेकिन जो कानून जैसे थे उनको लगभग वैसे ही रखा गया है। काफ़ी प्रावधान मजदूरों के हित में है, कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो मजदूरों के अहित करते हैं, जैसे इंडस्ट्री सेवा आयोजक पहले 100 लोगों के उसमें इंडस्ट्री को बंद कर सकता था, उसे परमिशन लेनी थी पड़ती थी, आज उसको बढ़ा करके 300 कर दिया। आज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के समय में अगर 300 की संख्या रखी जाएगी तो शायद ही कोई इंडस्ट्रीज के परिव्यू में आएगी, बड़ी इंडस्ट्रियाँ, जिसके कारण निश्चित तौर पर हमारा नुकसान होने वाला है। बात तो वही है, जब ये सब कुछ नहीं था तो पहले भी छटनी होती थी, आंदोलन होते थे, विरोध होता था, हड़तालें होती थी, तो अगर मजदूरों की संख्या या कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है, भले ही वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो, तो जो बेरोजगारी है वो तो बढ़ेगी। जो आज की तारीख में भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अब हमारे को सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि अलग अलग सेगमेंट पैदा करने पड़ेंगे, नए नए एवेन्यूज खोल करके लोगों को रोजगार देने की का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारी लेबर कास्ट बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्ट कास्ट बढ़ेगी, जिसके कारण हम कम्पीट करना मुश्किल होगा। तो उस मामले पे तो मैं सरकार के साथ हूँ, लेकिन सरकार के साथ इसलिए विरोध में हूँ
कि अगर हमारे ठेकेदारी प्रथा को आप ला करके आगे करोगे तो निश्चित तौर पर रोजगार प्रभावित होगा, सेवा आयोजक हमको कम वेतन दे करके हमारा शोषण करेंगे। इसलिए उस शोषण को रोकने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, नए वेन्यूज खोल करके रोजगार को देने का प्रयास करना पड़ेगा। अभी कुछ आप चूंकि उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं भारतीय मजदूर संघ के, तो सवाल आपसे ज़्यादा बैठता है कि अभी करीब जो श्रम कानूनों में बदलाव वाला इशू आया था, इसको लेकर के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो उन्होंने उसको लागू कर दिया है, उसमें जैसे कि काम के घंटे को लेकर के है, उसमें यह है कि जिन कारखानों में अगर 300 तक भी कर्मचारी या मजदूर हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एक लिबर्टी इस बात के लिए दी गई है कि वो उसको बंद भी कर सकते हैं अगर वो घाटे में जाते हैं या ये वजह हो, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर के प्रदेश भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ एक आंदोलन का माहौल है, तो उस पर आपके संगठन का क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले ये जो श्रम कानूनों का संशोधन का विषय आया, सबसे पहले राजस्थान सरकारों द्वारा आया, राजस्थान ने इसको लागू कर दिया, वसुंधरा राजे की सरकार थी, और भारतीय मजदूर संघ ने इसका प्रबल विरोध किया, और यहाँ तक कि रोडवेज के लोगों को, हमारे लोगों को राजस्थान में भाजपा की सरकार रहते हुए हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ, बहुत लोग घायल हुए और 50 लोग अस्पताल में भर्ती हुए, 10 लोगों की नौकरी चली गई। तो ऐसे में हम भारत, हमारा अगर श्रमिकों के विरोध में कोई कानून बनता तो उसका हम विरोध करते हैं। भाजपा सरकारों ने कुछ जल्दी ही दिखाई है कि इसके श्रम कानूनों में संशोधन करके जो राजस्थान मॉडल को, कोई राय सरकारों ने ली भारतीय मजदूर संघ की राज्य शाखाओं की राय, कभी राय मशवरा इस बात पे हुआ? इस बात पे राय मशवरा नहीं हुआ, यही हमारा विरोध है कि आपको अगर कोई संशोधन करना है तो हमारे लोगों से, हमारे उससे बात करिए, बात करके जो अगर बीच का रास्ता निकलता है, हमारे मजदूर ही टकराते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो आनुषांगिक संगठन है उसमें से पॉलिटिकल संगठन भारतीय जनता पार्टी और श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ है, फिर ये टकराव की स्थिति क्यों आती है? देखिए, हमारा भारतीय जो हमारा RSS है, RSS के हम आनुषंगिक संगठन है, समान विचारधारा के संगठन है, लेकिन जहाँ पर भारत RSS का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो भारतीय मजदूर संघ है। आज पॉलिटिकल उसमें विल में अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे आगे आ गई है, लेकिन RSS का सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ आज भी है। हमारा टकराव इसलिए क्योंकि हम मजदूर हितों के लिए काम करते हैं। उपाध्याय जी, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध इस मसले को, श्रम कानून के बदलाव को लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने कोई प्रदर्शन, धरना, हड़तालें कुछ नहीं की? आपको मैं बता रहा हूँ हमने कितनी हड़तालें की। 30 अक्टूबर सन 2019 को 18 को हमने विधानसभा को घेरा, आंगनबाड़ी को लेकर के हमने, आशा को लेकर के जुलाई 2019 में घेरा। तो हमने इस बात के लिए, हमारा विरोध तो चलता ही रहा कि हमने हमेशा विरोध किया, और श्रम कानून में बदलाव की जहाँ तक बात है, हमारे पिछले 18, 19, 20, आपको मैं बताऊं कि 2020 में काम के घंटे को 12 करने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव आया, और मैं कहना चाहूँगा कि विश्वसनीय सूत्रों द्वारा मुझे रात में 1 बजे किसी अधिकारी का फोन आया, उसने कहा उपाध्याय जी बचा सकते हो तो बचाओ, नहीं तो सब कुछ तुम्हारा जा रहा है। और आपको मैं बताऊं कि लेबर कमिश्नर उस समय माननीय सुधीर बोबड़े जी हुआ करते थे, और उनसे मेरी बात हुई रात में ही, 2 बजे मैंने रात में फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे जिस अधिकारी ने कहा था उसने कहा आप मुख्यमंत्री के सुबह साइन हो जाएंगे, इसलिए आप जो प्रयास करना हो प्रयास करिए। मैं अपने मात्र संगठन RSS के पदाधिकारियों से रात में ही मैंने जगा के बात की, हमने कहा देखिए आप बात कर लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, नहीं तो कल सुबह 11 बजे मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, और पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक जगहों पर, एक एक श्रम विभाग के ऑफिसों पर DM के यहाँ मेरे प्रदर्शन होंगे, और सरकार उस समय हमसे कोई ये ना कहने आए कि सरकार का आप विरोध कर रहे हो और आपको एक बार बात करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, सुबह 6 बजे मेरे पास फोन आया संघ के पदाधिकारी का, मैं नाम तय हूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन जो है
अधिकारी का फोन आया कि अनिल जी प्रदर्शन 11 बजे जो आपका रखा है उसको अभी मत कराइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, आज मत कराइए, अगर कल तक कुछ नहीं मिलेगा। और आप ताजुब करिए कि उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया आ गया कि जो 12 घंटे वाले काम जो का जारी होने वाला वो जारी नहीं हो रहा, कानूनों में संशोधन के साइन हस्ताक्षर नहीं हुए। और जी उसमें एक बात ये जो मुझे मालूम है, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे हाथ एक सच है या झूठ है, लेकिन मुझे ये पता चला है कि उसमें ये उस कर्मचारी या श्रमिक की इच्छा पे छोड़ दिया गया कि वो 12 घंटे काम करता है कि 8 घंटे, ऐसा है? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री ने जो व्यवस्था की, नहीं जो वो कोविड पीरियड के लिए एक व्यवस्था थी कि 3 महीने में एम्प्लॉयर्स ने ये बात कही कि हमारे को श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, लोग इधर अपने अपने गांव को चल गए तो यहाँ पे श्रमिक नहीं मिल रहे हैं। तो श्रम विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री ने उस समय ये कहा कि हमको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जो मजदूर हैं उन्हीं को क्या हम काम करा सकते हैं। अच्छा, इस कोविड के दौरान जो है प्रवासी मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या आ रही जी, और हजारों लाखों करोड़ों कह लो, पूरे देश में तो करोड़ों की संख्या में, तो वो अपने जहाँ भी जो उनके कार्यस्थल थे वहाँ से वापस अपने गांव घर को आ गए, और अब फिर जब वापस गए तो फिर दूसरी लहर आ गई, अब कहीं तीसरी ना आ जाए इस डर से यहाँ से नहीं जा रहे हैं, अपने घरों से नहीं जा रहे हैं या वापस नहीं लौट रहे हैं। तो ये जो क्राइसिस है, ये संकट है, इसको हल करने के लिए उनके उनके रोजगार की सुरक्षा के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए भारतीय मजदूर संघ ने कोई ऐसा प्रतिवेदन, कोई ऐसे विचार सरकार को संप्रेषित किए हैं? देखिए 32,487 श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया था, जब लॉकडाउन खुला तो लगभग 28 लाख प्रवासी मजदूर फिर से अपने स्थानों पर चले गए और 4.5 लाख मजदूर यहाँ पर रुका। हमने उस समय सरकार से कहा कि आप इस पर इनके रोजगार की व्यवस्था, इनके रहने की व्यवस्था करिए, अन्यथा दो होगा, एक तो ये रोजगार ना होने के कारण खाली होंगे तो निश्चित तौर पे दूसरे उसमें संलिप्त होंगे, दूसरा विषय यह है कि इनको खाना नहीं मिलेगा, इनके घरों की दशाएं गड़बड़ होंगी। तो उस पर उन्होंने बातचीत हुई और हमने प्रतिवेदन देने के बाद प्रवासी आयोग एक बनाया गया, प्रवासी आयोग के माध्यम से हम उसमें रोजगार देने का प्रयास हो रहा, लेकिन जो नौकरशाही है उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है या नहीं दी, तो कब तक देगी, कुछ इसका आइडिया है? नहीं, प्रवासी आयोग की रिपोर्ट जो थी वो तो दे दी, लेकिन प्रवासी आयोग के माध्यम से प्रतिमाह एक हर जगह एम्प्लॉयमेंट मेला लगा करके, रोजगार मेला लगा करके लोगों को रोजगार देने की बात है। लेकिन हमारा इसमें फिर से एक प्रतिवेदन गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो इसमें रोजगार मेला लगा करके किया जा रहा है उसमें प्लेटफार्म वर्कर्स को तो काम दे रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर वर्कर्स हैं उनको काम नहीं दे रहे हैं। इसमें कंपनियां, इंडस्ट्रीज़ वो नहीं आ रही हैं, ये स्विगी और जोमेटो ऐसी कंपनियां आ रही हैं जहाँ पर रोजगार की बहुत गारंटी नहीं है, प्लेटफार्म वर्कर्स को ही काम मिल रहा है। तो हमारा प्रतिवेदन है कि व्यवस्था उसकी की जा रही है, की जा रही है, और अभी अच्छी व्यवस्था नहीं है उसमें। लेकिन समान विचारधारा वाली सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में काबिज है, उसके बाद भी आरोप लगते रहते हैं कि ये श्रम विरोधी सरकार है। एक उदाहरण के तौर पर मैं एक केस आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश कताई मिल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य कताई संघ, इसको स्टेट स्पिनिंग मिल फेडरेशन बोलते हैं, ये जो ये संस्थाएं थी इनकी 24 मिलें थी जो कि एक एक करके बंद हो गई। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि इन मिलों को जो वाइबल हो सकती है, चलाई जा सकती हैं, उनको इन बाकी मिलों को बेच करके उसके पैसे से इन मिलों को चलाएं ताकि हजारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब मिल जाए। ऐसी दशा में 5 मिलों को चलाने का एक फैसला हुआ था, जैसा कि मुझे जानकारी मिली, उसमें एक बरेली की भी बहेड़ी एक जगह है, वहाँ की कटाई मिल का भी है, और सारी चीज़ें यहाँ तक कि मुझे पता लगा है कि सरकार ने स्वीकृति दे दी, खुद मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है उसको मॉनिटर कर रहा है, 2 साल के करीब होने को है, अब तक उस दिशा में 1 इंच भी आगे सरकार नहीं बढ़ी है। क्या ये मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के बीच में संवादहीनता का कारण हो सकता है या जो भी वजह हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग इस इश्यू को, भारतीय मजदूर संघ ने, माफ कीजिएगा, अभी तक इसको टेकअप नहीं किया। अगर 4 या 5 मिले चलती हैं तो हजारों मजदूरों को रोजगार
प्रत्यक्ष और परोक्ष मिलता, तो ऐसा क्या ये जानकारी में है जी साहब? देखिए 2018 में ये प्रस्ताव आया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव में ये कहा था कि जितनी मिले हैं इस मिलों में काम करने वाले लोगों को वीआरएस दे करके और उनको समाप्त किया जाए, बाकी मिले जो बिल्कुल जहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता या जो है हम उनको मशीनें नहीं रह गई, उनका कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हो सकता, तो ऐसी ज़मीनों को ऐसी परिसंपत्तियों को बेच करके 5 मिलें चलाई जाएं। तो ये बात आपने सही कही, कई जगहों पे ऐसा है कि अभी भी वीआरएस नहीं दिया गया और वीआरएस जो दिया भी गया तो बहुत कम मात्रा का दिया गया। मैंने उस पर प्रतिवेदन दिया, जैसा आपने कहा कि टेकअप नहीं किया, हमने टेकअप किया और यहाँ पर जो उस समय उद्योग कमिश्नर थे गौरव दयाल जी से मैं मिला, गौरव दयाल जी को प्रतिवेदन दिया और अपने औद्योगिक विकास मंत्री से भी मिला। मैंने कहा पहले इनको वीआरएस पूरा कंप्लीट कराइए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन व्यवस्था थी कि मिलों को बेच करके सबसे पहले मजदूरों का बकाया वीआरएस का या और जो भी रिलेटेड पेमेंट्स हैं वो सब किए जाएंगे, बाकी पैसे से चलाया जाएगा। और 5 मिलों को चलाने के लिए जौनपुर, बहेड़ी, चित्रकूट, ये यहाँ की ये मिलें थी तो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरशाही उत्तर प्रदेश सरकार की पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, नौकरशाही कोई ना कोई ऐसा बिंदु उसमें लगा देगी कि सरकार मंत्री उसी में उलझ के रह जाते हैं। इसमें भी नौकरशाहों ने वही किया। लेकिन ये तो कैबिनेट का अप्रूवल भी मुझे मालूम, कैबिनेट के अप्रूवल होने से क्या होता है, कैबिनेट के अप्रूवल क्रियान्वित करने में सरकार क्यों पीछे? देखिए मैंने कहा ना, नौकरशाही कोई ना कोई अड़ंगा लगा देती है और वो अड़ंगा के कारण ये नहीं हो पा रहा है। कैबिनेट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मैं इसको सरकार की विफलता मानता हूँ। ये अगर हमारा कैबिनेट का कोई डिसीजन हुआ है और मजदूर हित में है तो उसको पूरा होना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ ने टेकअप किया है और इस कैबिनेट डिसीजन को का इम्प्लीमेंटेशन हो, भारतीय मजदूर संघ इसके लिए पूरा प्रयास करेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले एक वर्ष में आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप भारतीय मजदूर संघ का नेतृत्व कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? देखिए अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो हमारा लक्ष्य यह है कि हम 75 के 75 जिलों में काम करने वाले हैं और हमारा फोकस भारतीय मजदूर संघ का अब असंगठित क्षेत्र है कि संगठित क्षेत्र में तो काफ़ी कुछ काम हुआ लेकिन असंगठित क्षेत्र बिल्कुल छूटा हुआ है, चाहे वो पटरी रेहाड़ी वाला हो, चाहे वो वैसे दुकानदार दुकान पे काम करने वाला हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी आशा हो, ऐसे अगर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए काम नहीं हो पाया, ऐसे पूरे देश में 48 करोड़ मजदूर ऐसा है जो असंगठित क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश में कोई आंकड़ा है? उत्तर प्रदेश में 22 लाख लोग ऐसे हैं असंगठित क्षेत्र के जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोगों को इस सरकार में भारतीय मजदूर संघ ने, जब उस समय हमारा 2 सितंबर 2015 को आंदोलन हुआ था तो भारतीय मजदूर संघ ने यही कहा था कि सबको सामाजिक सुरक्षा दी जाए। आज सरकार ने सबको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास किया, इसकी हम सरकार की सराहना करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रयास किया, इस कोविड के पीरियड में ऐसे लोगों को 1,000 रुपये दिलाए गए। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 230 करोड़ रुपए का उसको और 116 करोड़ को असंगठित क्षेत्र को, दोनों को अभी बीओसी और उनको दोनों को पैसा दिया। तो ये सरकार की के लिए मैं सराहना करता हूँ, लेकिन इसके लिए असंगठित क्षेत्र के लिए और काम करने का जरूरत है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा बोर्ड एक बनाया है, एक बीओसी का बोर्ड है, दोनों के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ इस बात को और आगे रखेगा और काम करेगा। हम आगे जो हमारा सरकार के साथ वार्ता करेंगे, वो सरकार के साथ हमारा फोकस यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाए, इंडस्ट्रीज़ को लगा करके ठेके की जगह पर रेगुलर एम्प्लाई को लगाया जाए, जो न्यूनतम वेतन गवर्नमेंट देना चाहती है 9,350 रुपए, वो 9,350 रुपए के न्यूनतम वेतन सब जगह मिले, ये हमारा
पूरा प्रयास होगा उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़े, लोग अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली या गुजरात वहाँ जा कर के काम करते हैं, वो मजदूर अगर अपने यहाँ आएंगे तो उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा, संपन्नता भी आएगी और यहाँ की जो अपनी रोज में श्रम शक्ति है वो बढ़ेगी। धन्यवाद अनिल उपाध्याय जी। तो ये थे अनिल उपाध्याय, भारतीय मजदूर संघ के नवनिर्वाचित महामंत्री। इन्होंने अपने पूरे विजन के साथ BeforeTwin.in के साथ बातचीत की। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।